गाइस जो फाइनली अपने इंडिया सर्वर के अंदर एक न्यू रिंग इवेंट आ चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यूनिकॉर्न रिंग करके, और इसके अंदर गाइस अपने न्यू बंडल्स आए हैं मेल एंड फीमेल के, एंड अपने ओल्ड इनक्यूबेटर की एक एक गन इसके नहीं है। तो बंडल देख लो भाई, ये फैंटेसी फैंटेसी बंडल है जो कि यार अपने मार्कुलस थीम पे बेस्ड है, एंड साथ में इसका फीमेल वर्जन रेनबो ड्रीम बंडल भी आया है, ठीक है। और यहाँ पे अपनी ओल्ड जो इनक्यूबेटर है एक एक की गन स्किन, तो भाई वो भी जो है रिटर्न डाली गई है साथ में, क्योंकि दोनों चीज़ें गाइस यूनिकॉर्न थीम पे बेस्ड है एक तरीके से देखा जाए तो भाई। एंड इस रिंग इवेंट की गाइस मैंने अपडेट आपको कल दे भी दी थी इंस्टाग्राम पे एंड कम्युनिटी पोस्ट पे, तो बहुत बंदे गाइज समझ चुके होंगे। बाकी गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम इस आइटम्स को निकालने वाले हैं, देखते हैं भाई कितने डायमंड आपके खर्च होंगे इन आइटम्स को अपनी आईडी में निकालने के लिए। तो भाई वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप भी गाइज इन आइटम्स को निकालना चाह रहे हैं अपनी आईडी में लेकिन आपकी आईडी के अंदर डायमंड नहीं है, तो भाई आप सिंपल जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मैंने एक लिंक डाल दिया है, उस पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लें और फ्री में गाइज आप अपनी आईडी के अंदर अनलिमिटेड डायमंड ले पाएंगे, ठीक है। तो भाई ये वीडियो काफी मस्त है, पूरा देखे, और हमेशा तरह आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दे। चैनल बने हो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज आप देख सकते हो मैं दूसरी आईडी के अंदर आ चुका हूँ, एंड गाइज इसके अंदर जो है ना 500 कुछ डायमंड पड़े हुए थे, सोचा क्या इन्हीं को खर्च कर लेते हैं, क्या पता भाई इन्हीं में अपने अच्छे खासे आइटम्स वगैरह निकल जाएं। एंड आप देख लो यहाँ पे जो अपनी एक 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 स्किन है इस आईडी के अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो भाई चलिए स्पिन करते हैं, पहला स्पिन गाइज 20 डायमंड और 11 स्पिन गाइज 200 डायमंड। तो स्टार्टिंग में गाइज हम सीधा यहाँ पे 200 डायमंड का स्पिन करते हैं, और चलो भाई 200 डायमंड के स्पिन में देखते हैं गाइज क्या चीज़ निकलती है। यार बंडल वगैरह मिल जाए पहले स्पिन में तो मज़ा आ जाए, ये मेल वाला जो बंडल है ना, गधे वाला घोड़े वाला जो भी है, तो यार ये मिल जाए मज़ा आ जाएगा एक बार में, क्या बोलूँ मैं, ठीक है यार मिल जा भाई। 10 स्पिन किए हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ओ यार टोकन ही मिले हैं, सेट यार कितने टोकन हो गए हमारे पास, 21 टोकन हो चुके हैं। चलो गाइज अब यहाँ पे हम एक एक करके स्पिन करते हैं, देखते हैं भाई कौन कौन से आइटम यहाँ पे निकलते हैं हमारे, ठीक है ना। तो 288 डायमंड हमारे पास बचे हैं, ओके स्किप करते रहे यार एनिमेशन को भाई, यार टोकन ही मिल रहे हैं गाइज। तो 228 डायमंड, ओके। तो गाइज अब यहाँ पे हम करते हैं 10 स्पिन का, ठीक है ना, 10 स्पिन वाला हम डायमंड यहाँ पे करते हैं, मतलब 10 स्पिन करते हैं एक साथ, जो कि 200 डायमंड के अंदर होंगे, एंड हमारी आईडी के अंदर 208 डायमंड बचे हैं। तो भाई अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, क्या पता है मेरा लक बढ़ जाए और हमें 500 डायमंड के अंदर कोई ना कोई अच्छा खासा आइटम जो है मिल जाए, ठीक है। तो 32 टोकन है गाइज हमारे पास, अगर हमें ज़्यादा अच्छे खासे टोकन हो जाते हैं तो हम यहाँ से भी गाइज इनको रिडीम कर सकते हैं। तो 10+1 यानी कि 11 स्पिन मैंने कर दिए हैं, और देख लो गाइज मैंने एनिमेशन को स्किप कर दिया था। तो भाई ये हमें टोकन नहीं मिले हैं गाइज, बंडल वगैरह तो नहीं मिले। तो एक तरीके से देखा जाए ना गाइज, आप 500 डायमंड में यहाँ पे कोई आइटम्स को निकाल ही नहीं पाएंगे, मतलब उस पर यार आपका बहुत ज़्यादा तगड़ा लक होना चाहिए तभी गाइज आपको 500-600 डायमंड के अंदर कोई आइटम मिल सकता है, वरना गाइज टोकन ही टोकन आपके निकलने वाला है। बाकी बाय द वे मैं आपको बताऊं तो कम से कम अपनी आईडी के अंदर 1500 से 2000 डायमंड रखना अगर आप यहाँ से कोई आइटम्स निकालने की सोच रहे हैं, एक एक गन स्किन या कोई बंडल वगैरह, ठीक है ना। कम से कम भाई 1000-1500 डायमंड तो आपके खर्च होने ही वाले हैं किसी एक आइटम को निकालने के लिए, बाकी अगर आपके पास टोकन हो जाते हैं तो भाई आप उन्हें यहाँ से भी रिडीम कर सकते हैं, ओके। तो बस यार इस वीडियो के अंदर इतना ही था, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर हो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। चलिए गाइज मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन बाय।